शासन प्रशासन जहां एक ओर गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस वजह से 37 वर्षीय रविंद्र कौरव आलमपुर निवासी ने प्रशासन के लाचार सिस्टम से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली। परिवार पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इस घटना के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल मामला भिंड जिले के आलमपुर वार्ड एक खेरन मोहल्ला का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने और पुलिस के द्वारा गलत FIR दर्ज करने से परेशान 37 वर्षीय युवक रविंद्र सिंह कौरव उर्फ टिंकू पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी ने देखा तो चीख पुकार के बाद लोग पहुंचे, जहां पुलिस को सूचना दी गई। इसमें एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था कि इस लेटर को स्थानीय आलमपुर पुलिस ना खोले। तब सूचना के बाद मौके पर SDOP लाहार अवनीश बंसल पहुंचे। उन्होंने लिफाफा खोला जिसमें एक तरफ कलेक्टर के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास न मिलने और दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करने का जिक्र करते हुए परेशान होकर आत्महत्या का कारण बताया। मृतक के भाई ने बताया कि आवास के लिए उसने नगर परिषद के चक्कर लगाए, जबकि आवास नहीं मिला तब निजी जमीन को बेचकर मकान बनवाने का कार्य शुरू किया, लेकिन पूंजी खत्म होने के बाद मकान अधूरा रह गया। ऊपर से BPL योजना के तहत मिलने वाला राशन भी बंद कर दिया था। पुलिस के द्वारा झूठा केस लगाए जाने से वो परेशान चल रहा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल लहर SDOP अवनीश बंसल ने जांच करने का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर रविंद्र कौरव के चले जाने के बाद पत्नी और एक बच्ची के साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने आवास का फार्म भरा था तो काफी बार भी नगर पालिका भी गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से गाली गलौज करके उनको वहाँ से भगा देते थे। एक दो बार उन्होंने शिकायत भी की ऊपर, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वे तंग आकर उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। लोग कहते थे तुम्हारा आवास नहीं आएगा, तो उन्होंने जो भी कुछ पैसे मिले तो अपना मकान खड़ा करवाया, तो अभी उसकी छत भी नहीं गिरी। शासन से उनको कोई मदद नहीं मिली, जो खाद्यान्न मिलता था उसमें से भी उनका नाम काट दिया। इसी के द्वारा नोटिस श्रीमान हमारे SDOP साहब आए थे, उनके द्वारा बच्ची थी उनकी आशना, उनके द्वारा खोला गया था। उसमें सिर्फ ये आवास के बारे में दिया था कि आवास नहीं मिला, ये मैं इस तरीके से पीड़ित हूँ, मेरे को गेहूँ राशन पानी ना मिला दो तीन चार महीने से। उसके बाद एक लेटर दूसरा दिया था अपना ये SDOP साहब के द्वारा, बोले खोला जाए। उनकी बच्ची के द्वारा खुलवाया गया, उसमें लिखा था कि मावरों से मेरी लड़ाई हुई थी और मावर में कोई जगदीश मावर क्या है।